जो भाजपा का गढ़ माना जाता है गुजरात, वहां भी हम सीट जीतते हैं। सरकार अगर काम नहीं करे तो जनता ही घेरेगी और हम जनता के साथ खड़े होंगे। मुझे खुशी है और मैं तो समझता हूँ इस प्रकार के रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए। मुझे लगता है कि ये चुनाव हम लोगों ने लड़ा, जनता के मुद्दों को लेकर जनता ने चुनाव लड़ा। भाजपा ने कोशिश करी विभाजन करने की, मुसलमान हिंदू मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र तमाम तरह की बातें करी गई कि ये चुनाव जो हुए थे ये 10 साल की सरकार के शासन के बाद हुए थे और लोगों ने भाजपा और एनडीए के खिलाफ वोट डाला है। एनडीए का संख्या बल जो 400 चाहते थे वो 200 कुछ प्यार करता है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया है और हम सब ने मिलकर अभिनंदन किया है हरीश मीणा जी का, जो हमारे नवनिर्वाचित सांसद हैं। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है। बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद हम लोगों को सफलता मिली है और ये सफलता कार्यकर्ताओं के जोश उत्साह के बावजूद हम ले पाए हैं। और मैं मानता हूँ कि जो देश में परिणाम आए हैं, परसों जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसका संदेश बड़ा स्पष्ट है कि ये चुनाव जो हुए थे ये 10 साल की सरकार के शासन के बाद हुए थे और लोगों ने भाजपा और एनडीए के खिलाफ वोट डाला है। 303 सांसद भाजपा के थे चुनाव से पहले, अब उनके 70-65 सांसद कम हुए हैं और एनडीए का संख्या बल जो 400 चाहते थे वो 200 कुछ पे आके अटका है और जनता ने किसी भी दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया। एक खंडित जनादेश आया है और जो भी सरकार का निर्माण होगा एक मिलीजुली सरकार बनेगी। और कांग्रेस का संख्या बल लगभग दोगुना हुआ है। इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को ज़बरदस्त लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, या कांग्रेस को महाराष्ट्र में, हर जगह। तो ये तो आत्मचिंतन भाजपा को करना चाहिए कि उनके क्या करने से लोगों में एक उदासीनता रही। और मुझे लगता है कि ये चुनाव हम लोगों ने लड़ा, जनता के मुद्दों को लेकर जनता ने चुनाव लड़ा और भाजपा ने कोशिश करी विभाजन करने की, मुसलमान हिंदू मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र तमाम तरह की बातें करी गई जो एक सभ्य समाज में एक स्वतंत्र और एक स्वस्थ गणतंत्र के अंदर इस प्रकार के संवाद को शोभा नहीं देते हैं और लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। और जो मिसयूज़ किया, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, विपक्ष के लोगों को टारगेट किया गया, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस की पार्टी के बैंक के खाते चलते चुनाव में सीज करे गए, इस सब को लोगों ने अच्छा नहीं माना और उसी का एक रिएक्शन था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम आंकड़ों के बाद और मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाए थे वो भी हकीकत से परे थे। तो जो परिणाम आए हैं सुकून देने वाले हैं और राजस्थान के अंदर जो पहले हम शून्य पर थे आज हम लोग 11 सीट जीतते रहे सहयोगियों के साथ, बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय तमाम कार्यकर्ताओं को जाता है, सब नेताओं ने मिलकर काम किया, इसी वजह से हम लोग अच्छा रिजल्ट ध्यान लाने में कामयाब रहे। आपके आपके द्वारा दिए गए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 6 बजे मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, वो तो राष्ट्रपति का निर्णय है किसको आमंत्रित करना है और किसको सरकार के गठन करने का मौका देना है, लेकिन मैं तो शुद्ध रूप से जो परिणाम आए हैं उसका आप विश्लेषण करेंगे तो उसका सारांश ये है कि किसी दल को बहुमत नहीं मिला और जो दावे किए गए थे वो सब धराशायी हो गए हैं। 300, 400, 500 पार करने की बात करते थे और अनेक राज्यों में संख्या बल भाजपा का लगातार घटा है और कांग्रेस का जो हम 50-55-100 के आंकड़े पर आए हैं तो जनता ने अच्छा राहुल गांधी जी की मेहनत को लोगों ने पसंद किया है। लगातार देश को नापा, कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर मणिपुर से मुंबई चले और खड़गे साहब ने, प्रियंका जी ने खूब मेहनत करी है। लंबा चुनाव भाजपा ने चुनाव लंबा इसलिए उनको सोचा होगा कि फ़ायदा हमको मिलेगा, लेकिन अंत जैसे चरण चलते गए लगातार कांग्रेस इंडिया अलायंस को समर्थन मिलता गया और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और जिन राज्यों में हम लोग अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाए वहाँ पर इस समय संगठन को दोबारा पुनर्जीवित करने का मौका मिलेगा। देखिए ये तो अलायंस ने कल जो खड़गे साहब ने स्टेटमेंट पढ़ा वो औपचारिक हमारे अलायंस का एक स्टैंड था और उन्होंने वेट एंड वॉच करने का कहा है, अभी देखते हैं अगले कुछ दिन में क्या बना। आपके आपके द्वारा जो टिकट दिए गए थे, जो लोग आपने आपने एफर्ट किया वहाँ सब लोग जीते हैं, अशोक गहलोत अपने बेटे को नहीं जीता पाए। देखिए टिकट जो मिलता है वो कांग्रेस पार्टी देती है और जो चुनाव चिन्ह हाथ पर चुनाव लड़ता है वो सबका उम्मीदवार है, तो हो सकता है कोई सिफारिश किसी की करे लेकिन जब टिकट मिलता है तो पार्टी टिकट देती है और जीत होती है तो पार्टी की होती है, किसी एक नेता की नहीं होती। और हमारा अच्छा परिणाम इसलिए आया कि हम सब ने मिलकर काम किया। ये चुनाव देश का चुनाव था, ये किसी एक नेता या एक का मत या विरोध की बात नहीं थी, पूरे देश का चुनाव था। और जहाँ हम चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन जैसे हम लोग गुजरात में पहले शून्य पर थे, हम गुजरात में शून्य पर थे, गुजरात में हम लोग बनासकांठा जीते हैं, हम लोग
बांसवाड़ा डूंगरपुर जो बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पर है, वो सीट हम लोग बीजेपी को हराने में कामयाब रहे हैं। हमने समर्थन दिया, 2.5 लाख से हम वहाँ जीते हैं। बाड़मेर बॉर्डर का जिला है, वहाँ पर हम लोग जीते हैं। तो जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है भाजपा का गुजरात, गुजरात के बॉर्डर की सीट पर हम लोग जीत रहे हैं, मतलब हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। जहाँ हम नहीं जीत पाए हैं वहाँ अगली बार और मेहनत करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा मेहनत करेंगे तो जो लोग आज नाकामयाब हैं कल वो कामयाब भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्या वजह रही कि 29 की 29 बीजेपी ले? ये हम लोगों को इसमें उम्मीद थी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, अन्य राज्य हैं जहाँ पर हम लोगों को अभी और मैं तो उल्टा देखता हूँ, जहाँ हमारा संख्या बल कम है वहाँ हमें पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा आगे अपना संख्या बल बढ़ाने का। तो अभी हाँ और काम करेंगे, और वहाँ पर ऐसा नहीं कि पार्टी कमजोर है, कुछ परिस्थितियाँ थी हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन आगे और मेहनत करेंगे। नहीं यार हम लोग भाई हमारे हम लोग 8 हम जीते हैं, 2 गठबंधन के 1 समर्थन का जीता है, तो हमने मिलकर स्ट्रेटेजिकली काम किया था तभी हम जीत पाए। जैसे मैंने कहा ना जो भाजपा का गढ़ माना जाता है गुजरात, वहाँ भी हम सीट जीते हैं। गुजरात के निकट जो जिले हैं वहाँ पर भी हम लोग जीत हासिल कर पाए हैं। तो इतना हमने मेहनत करी है उसका परिणाम मिला हम लोग। इस बार चर्चा ये है कि राजस्थान से लेकर पश्चिम में जहाँ जहाँ पायलट साहब गए वहाँ वहाँ प्रत्याशी जीते हैं, चाहे दूसरा की बात करें करोड़ी बात करें। सब ने सब जगह प्रचार किया है, जीत सबकी मिलके सामूहिक मेहनत का परिणाम है, और राहुल जी प्रियंका खड़गे जी ने पूरे देश में ताबड़तोड़ रैलियां करी हैं। मुझे मौका मिला, मैं भी 14 राज्यों में गया हूँ, 100-125 मीटिंग करी है। तो जहाँ जहाँ पार्टी ने कैंडिडेट ने बुलाया है वहाँ हम लोग गए हैं, और पार्टी को कामयाबी मिली है। लेकिन इसमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे संगठन ने मेहनत की तब जाके हम लोग कामयाब। मुझे खुशी है, और मैं तो समझता हूँ इस प्रकार के रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए हैं, और वो बहुत कम उम्र में एक दलित समाज की एक गरीब परिवार की महिला को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्र के लोगों को कि एक अच्छी गरीब महिला को उन्होंने दलित वर्ग की आती हैं 26 साल की उम्र में संसद में भेजा है। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे वहाँ जाके उनका प्रचार करने का मौका मिला। मैंने अपील की थी लोगों से, मेरी अपील को लोगों ने स्वीकार किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। राजस्थान में सरकार सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुझे लगता है कि बिजली पानी की इनको पहले से प्रबंधन करना चाहिए था, क्योंकि प्रबंधन में कोई रोक नहीं रहा। अब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इतनी गर्मी, उमस, पानी की किल्लत, बिजली की कटौती, हर जगह प्रबंधन में फेल हो रही है। मैनेजमेंट अगर सरकार अच्छा करती तो ये हालत नहीं होते आज। और ये बात, और कांग्रेस सरकार पर आप सारा दोष डाल दें, ये कहाँ का न्याय है? उन लोगों को आज पहले प्लानिंग करते, कंटीन्यूसली प्लानिंग करी जाती, गर्मी के महीनों के लिए पहले से प्लानिंग की जाती है। अब जवाब नहीं है तो अलग अलग बयान मंत्रियों के आ रहे हैं, को अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, वो गलत है। सरकार अगर काम नहीं करे तो जनता ही घेरेगी, और हम जनता के साथ खड़े हैं। जयपुर ग्रामीण का क्या हुआ?